जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज थानू असी दसन लगे हाँ पट्ठे वढ़ने वाली मशीन के मुतलक, बई ये पट्ठे दे नाल किस तरह वढ़े जाते हैं। साढ़े बहुत सारे दोस्त किसान जेडे भाई हैं वो मशीन तो ले लेंगे ने, लेकिन पट्ठे वढ़न का उन्होंने पता नहीं चलता, वल नहीं आता, तरीका नहीं आता है। उनकी वजह सिर्फ और सिर्फ इनका फ्रंट वाला जेड़ा अगला जंगला है जिंदे नाल चारा जात या पट्ठिया कट्ठिया करके डेरी लाई जाती है, उनका मेन किरदार असल में होता है। अगर वो जेड़ा कंपनी की तरफों नाल जंगला मिलता है वो ज़्यादा पायदार नहीं होता, उनके नाल बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा होती है पट्ठे वढ़ने लगे। इस वास्ते एक दस्ती जड़ा है जंगला बनवाया जाता है, जड़ा हूँ तुहाडे सामने मैं तुहानू जूम करके विखा रहा, ये आला जंगला है। ये इस दे मुतलक तुहानू असीं इन्हां दी फरमाइशां करके दस्सांगे, ये किवें बनता है या किवें बनवाना है, इस दे मुतलक जिहड़ी पूरी मालूमात तुहानू दित्ती जाएगी। और इन दे नाल तुहानू चारा जात जिहड़े हैं पट्ठे जिहड़े हैं रोड ग्रास दे वढ़ के दिखाए जाणगे। चलो अच्छा जी दोस्तों, इनका जो ऊपर वाला फ्रंट जड़ा है ना उत्ते वाला, उनकी लंबाई जी है उनकी पमैश है 9 इंच, ये 9 इंच तुम बनवाना है। उस तो बाद इसकी जी है इस तरह ऊंचाई वो 1 फुट 6 इंच। अच्छा जी हम थले आ जाओ जी, हम इस जड़ा है नीचे लांस के कोल जिथे कटर चल रहा होता है, आला कटर जड़ा जिस जगह पर चल रहा होता है उसको लैके इस जगह तीकर इसकी पमैश है 1 फुट 3 इंच, ठीक हो गया। अच्छा फिर उस तो बाद इसकी एक और अलग पमैश ये वाली है जी, इस तरह कलम कलम के तरीके तरह तुम एक दूसरी जी है लगानी है नाली या सरिया, जिस तरह जिस चीज़ का भी तुम बनवाओ उस हिसाब के नाल ये जो त्रिछवा लाना है ये 1 फुट 5 इंच तुम लाना है, ठीक हो गया। अच्छा उस तो बाद फिर इस कलंप आ गए, तो कैमरामैन विखाए ना यार। अच्छा इन कलंप ने यह लांस के उत्ते किसी भी वैल्डिंग वाले बंदे को जेड़े बंदे की वैल्डिंग वाली वर्कशॉप है उस कोल जाके इस तरह के कलंप जड़े हैं वो तुम बनवा लेने, 3 कलंप बनवाने ने। 3 कलंपा की पमैश जी है शुरू के सिरे तो लैके दूसरे तिकर हैगी 1 2 3 4 4.5 इंच, दूसरे तो लैके तीसरे कलंप तिकर यानी ब्लेड तक वो हैगी 1 2 3 4 5 इंच, ठीक हो गया। फिर उस तो बाद इधर करिए हैंडल आ, अच्छा उस तो बाद जी हैंडल वाले असं आ जाने, जिहड़ा कंपनी की तरफों हैंडल मिलता है अपन वो थोड़ा जिहा होर हिसाब में हुंदा है, वो थोड़ा जिहा इस तरह एल्बो की शक्ल अख्तियार कर रहा हुंदा है, जिन दे नाल पट्ठे वढ़न की बड़ी मुश्किल हुंदी है, जोर बहुत ज़्यादा लगता है, उनके नाल पट्ठे हटाने का बड़ा जोर लगता है। इस वजह तो फिर ये असी कुछ जड़ा है दस्ती तैयार किया है, ये दस्ती तैयार जड़ा किया है उनकी पमाइश असी रखी है 1 फुट 9 इंच। अच्छा ठीक हो गया, हूँ असी अपने प्यारे दोस्तों जड़ा है इन्हें ना पट्ठे वढ़ के विखाने कि पट्ठे किवें वढ़ी रहे। Thank you.
जी दोस्तों देख रहे हो किस तरह साड़ी कटाई हुई है रोड ग्रास की और कितने साफ सुथरे तरीके नाल पट्ठे वड्ढे गए हैं और हद की निस्बत इस मशीन नाल पट्ठे वड्ढन की जिहड़ी स्पीड बहुत ज़्यादा है और काम भी बहुत ज़्यादा जल्दी निबड़ता है। समझ आई गई हत्थां नाल तो बंदे वड़ वड़ उ फना हो जाता है। जी दोस्तों देख रहे हो तुसी एक रेड़ा पट्ठिया का सिर्फ बहुत ही कम वक्त इन वढ़िया गया है। ये मशीन बहुत पायदार मशीन है जी। अच्छा ये मशीन तुसी सब किस्म के जो भी हैं चारा जात वो इन्हें तुसी कट सकते हो कमान ज्वार बाजरा मकई गंदम सुपर नैपियर माठ ग्रास रोड ग्रास सुपर मुबासा जितने भी चारा जात हैं तुसी इस दे नाल कट सकते हो। शुक्रिया दोस्तों मेरी वीडियो देखने का जी। मेरे चैनल नू जरूर सब्सक्राइब करो नाल बैल आइकन दबाओ अपने दोस्तों शेयर करो इस लाइक करो। अस्सलाम वालेकुम।